नमस्ते दर्शकों, ममता किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसा ही यूनिक और ऑर्गेनिक गार्डन से कंटेंट आपके लिए लेते आएँ। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं कैसे मात्र 10 रुपये के पीस से हमारे छत पर हुआ 20 किलो टमाटर। हाँ जी, बिल्कुल सही, 20 किलो टमाटर, वो भी मात्र 10 रुपये से। ये पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, सो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। किसी भी अच्छे पौधे को लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? उसका बीज। बीज ही एक पेड़ की नींव होता है। जैसे हम घर बनाने के लिए अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे एक अच्छा पौधा लगाने के लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का बीज लेना होगा। तो हमने सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लिया। अगर आपके पास बीज अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से गाछी भी ले सकते हैं। गाछी लगाना कंपैरेटिवली इजी होता है। बीज के प्रोसेस में आपको बीज सोक करना पड़ेगा, फिर उसे एक छोटे से सैपलिंग में लगा के जब वो छोटे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इसे बड़े से स्पेस में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो वैसा ही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया। हमने मार्केट से बीज लिया, उसे सोक किया वाटर में और फिर उसे जब वो बड़ा हुआ ट्रांसप्लांट कर दिया। और आप देख सकते हैं ये इतने बड़े हुए और इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। अगर हम खाद की बात करें तो इसमें हमने सरसों की खली का खाद दिया और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमारे किचन से आया है उसका इस्तेमाल किया है। घर का जो कचरा होता है उसी का इस्तेमाल किया और गोबर का खाद दिया है। और इसमें हमने जीव अमृत डाला है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे देखना होगा, वो अवेलेबल है कि आप कैसे बना सकते हैं घर पे ही जीवामृत, जो आपके पौधों और पेड़ पौधों के लिए अमृत के समान होता है। तो प्लीज़ आप वो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके टमाटर के पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टिप्स फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर आपकी भी प्रोडक्टिविटी हमारे टमाटर की जैसी ज़रूर आएगी। सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज लीजिएगा तो जो प्रोडक्टिविटी है इस प्रकार ही आएगी। दूसरा, जब ये बड़े होने लगे इन्हें बड़े से स्पेस में लगाइए। अगर बड़े से स्पेस में नहीं लगाइएगा तो इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो ये फल नहीं बना पाएंगे और जो फल है वो मर मर जाएंगे, क्योंकि इनको स्पेस ही नहीं मिल रहा, प्रॉपर वाटर ही नहीं मिल रहा, सॉइल ही नहीं मिल रहा, तो ये कैसे जीवित रहेंगे। जैसे एक शिशु होता है उसे बचपन से एक अच्छा खाना देते हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधे हैं, इनको भी आप अपना शिशु मानिए। इनको भी एक बचपन से ही अच्छा खान पान दीजिए ताकि जो बड़े हो जाए तो इनको एक अच्छा ग्रोथ मिले, इनको एक अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले, जैसे हमारे टमाटर के पौधों को मिली है। तीसरा, जब ये बड़े होने लगे तो इन्हें एक सहायक दीजिए, एक लकड़ी का सहायक दीजिएगा तो इनका जो स्टेम्प है वो झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो आपके जो फ्रूट्स है वो वेस्ट नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पे हमने इन्हें एक लकड़ी का सहायक दे रखा है। अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं तो इनके जो सहायक है उनका बड़ा नीड हो जाएगा, तो इन्हें मोटी लकड़ी दे दीजिएगा ताकि जो इनके फ्रूट है वो अच्छे से एक साथ राउंड अप ऑफ रैप हो जाए और ये गिरे ना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें एक अच्छा खाद देना है। अगर आप अच्छा खाद नहीं दीजिएगा तो इनकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। अच्छा खाद दीजिए, ऑर्गेनिक मेथड का खाद दीजिए, जो आपका किचन वेस्ट आता है वो यूज़ कीजिए। 0 रुपये गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए, जो आपका किचन का वेस्ट आता है वो इस्तेमाल कीजिए। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें किचन वेस्ट और नीम की खली, ताकि जो इस पर कीड़े हैं वो हट जाए, सरसों की खली दी है ताकि इन्हें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, और जीव अमृत दिया है। और आप देख सकते हैं आज इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है। सितंबर अक्टूबर में लगाया ये पौधा, आज ये इसका फल कितना अच्छा आ रहा है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है और इसमें लगभग लगभग 20 किलो टमाटर आए हैं। अब विश्वास कीजिए आपसे भी हो सकता है। कोई भी नया काम करने में आपको बहुत मेहनत लगती है, संकोच लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, पर इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर ये काम शुरुआत करनी है। आप भी अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आज से ही आप भी ऑर्गेनिक मेथड गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मेथड गार्डनिंग होता है केमिकल फ्री होता है, इसमें कोई साइड के पेस्टिसाइड नहीं होते। जिस दिन आप तोड़ रहे हो उसी दिन आप खाइएगा। मार्केट से 2-3 दिन या 5 दिन की सब्जी जो ख़राब हो जाती है वो नहीं खा पाइएगा, एकदम फ्रेश एंड ऑर्गेनिक होगा, जिससे आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ जो इसके साथ आप वर्कआउट करेंगे उससे भी आपकी सेहत में बहुत डिफरेंस आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करें।